आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर इंदौर सहित प्रदेश भर में अनेक आयोजन किए। इंदौर के वार्ड क्रमांक 49 के वंदना नगर स्थित वसुंधरा कॉम्प्लेक्स परिसर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रदेश महासचिव कपिल ससोदिया के संयोजन में भव्य श्री राम पूजन एवं सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि राम किसी पार्टी विशेष के नहीं है, बल्कि हम सभी राम के बच्चे हैं और राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की सभी को प्रतीक्षा थी और मैं सभी को बधाई दूंगी कि वह शुभ दिन आ गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के महासचिव कपिल ससोदिया ने कहा कि कांग्रेस के पितृ पुरुष महात्मा गांधी को जब गोडसे विचारधारा ने गोली मारी थी तब उनके मुंह से अंतिम शब्द हे राम ही निकला था। वहीं 1986 में राम मंदिर के ताले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही खुलवाए थे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा स्थित निवास के बाहर श्री कमलनाथ ने हनुमान जी का विशाल मंदिर बना रखा है। कांग्रेस राम भक्त है और वह दिखावा नहीं करती है। आज वंदना नगर में आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए। सभी ने मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। हमारे बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती अर्चना जायसवाल जी ने ये राम मंदिर निर्माण जो हो रहा है उसकी शुभकामनाएं देने के बीच आपके लिए उपस्थित हुई दीदी दोस्तों बहुत खुशी का अवसर है कि जिसकी प्रतीक्षा हम लोग बहुत वर्षों से कर रहे थे और कल वो होने जा रहा है। राम मंदिर का पूरा भूमि पूजन होने जा रहा है। आज उसकी पूर्व संध्या पर आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा हम सभी को और हम सबकी खुद की इच्छा भी थी कि ये सभी ने प्रत्यक्ष रूप से सभी ने चाहा और कहीं ना कहीं योगदान दिया कि राम मंदिर बने। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और आज इसके कपिल ससोदिया जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आप सबको कोरोना के बीच में भी आपको यहाँ इकट्ठा करा, परंतु राम भगवान आप सब किसी को भी कोरोना होने नहीं देंगे और कोरोना को दूर भगाएंगे। एक बार आप जोर से बोलिए राम भगवान की जय। आप सबको कहना चाहती हूँ कि इसमें ये पार्टियों से राम भगवान सब पार्टियों से उठ गए, ये किसी का है ना कि ये इस पार्टी के राम भगवान है कि उस पार्टी के, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब ये प्रतीक्षा कर रहे थे, बहु प्रतीक्षित था कि राम मंदिर का निर्माण हो और वो घड़ी शुभ घड़ी अब कल आने जा रही है और सभी जगह हर्षोल्लास है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार। और हम सब की भी इच्छा थी कि जगह जगह सब गली में मोहल्ला में सब जगह हर शहर शहर में दीपक भी जलाए जाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, सुंदरकांड पढ़ा जाए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो वर्षों से राजीव गांधी जी के समय से और आज तक मोदी जी के समय तक जो सब लोग लगे हुए हैं मंदिर के लिए, उन सभी को मैं साधुवाद देती हूँ कि एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है और हम सब भी उसमें सहभागी हैं और मंदिर बनने से हमारा देश तरक्की भी करेगा, सुख समृद्धि आए ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। और आप जो आए हैं ये बहुत अच्छा है, बच्चों को संस्कार भी जाएंगे, छोटे बच्चे देखेंगे कि हाँ हम जब छोटे थे तो राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और जब मंदिर बन जाए तो आप सभी भी अयोध्या भी जाए। नगर पालिका निगम के वार्ड नंबर 49 में वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य जो है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि राम मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं बनवा रहे, ये देश की जनता बनवा रही है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब गोडसे विचारधारा ने उनको गोली मारी थी उस समय उनके मुँह से एक शब्द निकला था हे राम, तो राम सनातन धर्म का पालन करने वाले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से, जिस शिलान्यास या राम मंदिर का ताला खुलवाने की जब बात थी तो वो राजीव गांधी जी ने की थी जो कांग्रेस पार्टी से। आज
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार हर वार्ड में, हर शहर में, हर गांव में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी स्वयं हनुमान भक्त हैं, जो विदेशों से भी सबसे बड़ी मूर्ति अगर बनाई जाए हनुमान जी की तो वो छिंदवाड़ा में बनी हुई है, ये आपको ज्ञात है।